नहीं छूटती कोई खबर, सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। जिला परिषद प्रत्याशी उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से पार्वती देवी, पति शंकर विश्वास, ग्राम पंचायत तेरघा, वार्ड नंबर 3, प्रखंड डगरुआ, जिला पूर्णिया, पंचायत के सुयोग्य, नेक, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, संघर्षशील, कर्मशील और समाज सेवी महिला उम्मीदवार पार्वती देवी के चुनाव चिन्ह लेटर बॉक्स छाप क्रम संख्या 3 पर नीला बटन दबाकर अपार मतों से पार्वती देवी को विजय बनाए। पार्वती देवी का कहना है कि वो इसलिए जिला परिषद पद का चुनाव लड़ रही है ताकि मेरे चुनाव लड़ने का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र और समाज सेवा का विकास होगा। जिला परिषद के विभिन्न प्रकार का सरकारी फंड जनता के साथ विकास करूंगी और मैं चाहती हूं कि एक बार चुनाव आयोग लड़ने का मुझे मौका अवश्य दे। मैं मानवता के आधार पर विकास करूंगी। पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना एवं BPL तथा गली नली में सॉल्विंग का विकास कराऊंगी। सभी योजना का लाभ गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचाया जाएगा। हर समय दुख और सुख में साथ रहकर समाज के विकास पर ध्यान रखूंगी। सिर्फ एक बार निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 से जनता की समस्त वासियों के समस्त परिवार से जीत का आशीर्वाद मांगती हूँ। निर्वाचन संख्या 26 के सभी वासियों को दीपावली और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। पूर्णिया से खास रिपोर्टर मोहम्मद नौशाद के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, हमें नौशाद के साथ। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं डगरुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत तगरा में, वार्ड नंबर 3 में। आइए, यहाँ का जो प्रत्याशी उम्मीदवार है जो जिला परिषद के रूप में आते हैं, इनसे हम मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरे प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप अपना परिचय बताइए सर। मेरा नाम शंकर विश्वास है जी। मेरी पत्नी पार्वती देवी डगरवा प्रखंड 26 से जिला परिषद प्रत्याशी है जी। पूरा परिचय एड्रेस बताइए सर। डगरवा प्रखंड तेघरा पंचायत वार्ड नंबर 3 सिरनिया गाँव पड़ता है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26 जी, वो बता दिए आपको जी। संख्या 26 सर, आपका मेन उद्देश्य क्या है जिला परिषद का चुनाव लड़ना सर, इनके संबंध में थोड़ा बता। सर, जिला परिषद का चुनाव लड़ना एक हमारा भी बाकी हमारे गांव का उद्देश्य है कि गांव का विकास हो जी। गांव के साथ साथ जो हमारे प्रखंड है, सारे प्रखंड का विकास हो, मतलब जितने पंचायत है, 9 पंचायत हमारा है जिसमें तेघरा, दोहली, टोली, इचाला, हरखेली, रामपुर, डगरवा, मथुर ये सब आ रहे हैं और कुमारी पंचायत भी आ रहे हैं। क्या सर, आपको यहाँ का जनता अगर जिला परिषद के रूप में चुन लेते हैं तो आपका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, प्राथमिकता स्थान क्या रहेगा? अगर हमें इस सेवा का अवसर मिला तो जनता का सेवा के लिए हम हमेशा तत्पर ये रहेंगे। जैसे हमारे खास करके सड़क वगैरह हो गया, जहाँ पे पानी, जैसे नल जल का योजना शुरू हुआ, कहीं कहीं नहीं पहुँचा है, उनको पहुँचाने का कोशिश करेंगे। और हमारा स्वास्थ्य में जो है, कहीं कहीं पे जैसे क्लिनिक जो होता है हमारा, वो खुलवाना पड़ेगा। हर एक पंचायत में कम से कम एक चाहिए, क्योंकि गरीब जनता यहाँ से आपको पूर्णिया या जैसे शहर ज्यादातर तो हम लोगों को तो ये सोच रहे हैं कि कम से कम उनके लिए कुछ सुविधा यहाँ पे होती हो, तो अपना पंचायत में कम से कम एक एक पंचायत में रहेगा। जैसे 9 पंचायत है तो 9 अगर आ जाए तो फिर भी हर एक पंचायत के लिए बहुत अच्छा। हम जो भी स्वास्थ्य जी, हम जनता से पूर्ण अपील कर रहे हैं और उनके बाद जनता का अपना फैसला होता है। जनता हमें चुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो यही है कि उम्मीद है कि हमें, हम पर जनता पूरा पूर्ण विश्वास करके पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक,